ममांगानि वाक् प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यं मा ब्रह्म निराकरोद निराकरणमस्तु अनिराकरणमे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु ॐ शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं भगवन्तौ ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद व्योमवत् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ये घड़ी दे लो। इसमें रख। छांदोग्य के अष्टम अध्याय के प्रथम खंड का चतुर्थ मंत्र चल रहा है। आश्रय नाशात आश्रिता नाशः, ये न्याय है युक्ति। इसलिए आक्षेप हुआ शिक्षक की ओर से, आश्रय है शरीर पुंडरीक हृदय कमल अंतःकरण, ये हो गया आश्रय। आश्रित हो गया परब्रह्म। फिर आश्रय का जब नाश हो गया तो आश्रित ब्रह्म कैसे रहेगा? वो भी अनित्य होना चाहिए। शरीर आदि अनित्य होने से शरीर आदि में रहने वाला जो ब्रह्म है वो भी अनित्य होना चाहिए, है कि नहीं? ऐसा चार्वाक की ओर से शंका बन सकती है। तो चैतन्य शरीर में रहता है, विलक्षण भूतों का संयोग हुआ तो चैतन्य हो गया, नहीं? पान का पत्ता चूना है, कथा है, विलक्षण संयोग से लार निकल गया कि नहीं? पान हुआ कि नहीं हुआ? इस बार भूतों का संयोग हो गया तो चैतन्य उत्पन्न हो गया। शरीर जब नष्ट हो जाएगा तो चैतन्य नहीं रहेगा, है कि नहीं? घटना से घटस्थ जलम नष्टम, हुआ कि नहीं हुआ? इस वजह शरीर का नाश हो जाने पर चैतन्य का नाश हो जाना चाहिए, ये शंका बनती है। ठीक, ये चौथा मंत्र हो गया ना, भाष्य बने बाकी है। ठीक है, इसलिए किम तत्व अतिशिष्यते, ये कहा था देह का नाश हो जाने पर क्या शेष रहेगा, किम यहाँ पर आक्षेप वर्तक में। भाष्य देखो, तम चेत एवं चेत एवं उक्तवंतम ब्रुयोः पुनरअन्तेवासिनो अस्मिश्चेत यथोक्ते चेत यदि ब्रह्म पुरे ब्रह्म पूर्व उपलक्षितम अंतराकाश इत्यर्थ। ये तात्पर्य यहाँ तक हुआ था। अब उसी में जो है सब आश्रित कहा,
अंतराकाश ब्रह्म में इदं सर्वं समाहितं सर्वाणि च भूतानि सर्वे च कामः, ऐसा कहा था। अच्छा आगे देखो, यदि अस्मिन् सर्वं समाहितं ततो देहनाशे किम् अवशिष्यते इति संबंध है ना। इसी ब्रह्म में जब सब आश्रित है कहा, तो फिर यह देह का नाश हो जाने पर क्या रहेगा? कुछ रहेगा नहीं, कोई अवशिष्ट नहीं रहेगा। अवशिष्यते के बदले टिप्पणीकार ने कहा अतिशिष्यते, क्या शेष रहेगा, है ना। इति युक्तम कहा मतलब अतिशिष्यते पाठ कहीं रहा होगा, है ना। हालांकि अवशिष्यते कहने से भी कोई विरोध नहीं है, अतिशिष्यते कहने से स्पष्ट होता है ना, इसलिए कहा। शिष्याणाम अधिका अवापम दोषम आशंकते कथमिति। तो बोलते हैं कि जो है पूर्व में तो नहीं कहा आचार्य ने कि ब्रह्म में जो है काम भी आश्रित है, कहा पहले पूर्व मंत्र में कहा क्या ब्रह्म में काम तो आश्रित है, ऐसा तो नहीं कहा। और इसी से कहाँ से जो है मन में लाया कि सर्वे च काम, अधिक बोल दिया कि नहीं, कौन किसी किसी को अधिक बोलने का अभ्यास होता है कि नहीं, कम नहीं बोलते हैं, अधिक बोलते हैं, जितना काम हो उतना अच्छा है, काम ही बोलना चाहिए। अगर महाराज ने कहा कि वो ट्रैक्टर वाला कब आएगा, कब आया, यहीं पर ना ऑफिस था ना पहले बड़े महाराज श्री जी गुरुदेव, तो उसने क्या कहा कि पूछे दोपहर में एक था ब्रह्मचारी, उनको ऑफिस में बैठने के लिए बोले थे महाराज जी, फिर बाद में शाम को पूछे तो ब्रह्मचारी जो ट्रैक्टर वाला कब आया, इतना ही पूछे, सीधा बोल दो ना अमुक टाइम पर आया, बात खत्म। वो बोल रहे सीधा मैं उस टाइम बैठा था जी, है ना, उस समय इतना इतना घंटे इतने मिनट हुआ था जी, फिर वो आया, फिर वहाँ पर ट्रैक्टर रख दिया जी, लंबा चढ़ 10-15 बार जी बोला वो तो महाराज जी बोले कल से आप नहीं बैठना ऑफिस में तो कम बोलो कि बस इतना टाइम पर आया हो गएगा तो अधिक बोल दिया कि नहीं, देखो सर्वे च काम, आचार्य जी तो नहीं कहा था कि ब्रह्म में काम रहता है, अरे कहते सर्वे च काम, इसको बोलते हैं अधिक आवापम। एक होता है आवाप शब्द, एक होता है उद्वाप। आवाप बोलते हैं ग्रहण को और उद्वाप कहते हैं त्याग को, छोड़ना, समझ में आया। यार आवाप का अर्थ क्या है, ग्रहण। अधिक शब्द का ग्रहण किया ना किसने, शिष्य ने, ये दोष हो गया, ये सबसे बड़ा दोष है, अधिक शब्द ग्रहण नहीं करना चाहिए। इसलिए कह रहे हैं भाई कथम आचरण अनुक्ता कामा अंतेवासी भी उच्चते। आचार्य ने तो नहीं कहा ना कि ब्रह्म में काम भी रहता है, और अंतेवासी ने कैसे कहा कि सर्वे च कामा, शंका समय। चलो उत्तर दे रहे, संकितम दोषम परिहरति, शंका जो उठाई दोष के ऊपर उसका परिहार करते हैं, नहीं सा दोष, कोई दोष नहीं है, आचार्य ने जो नहीं कहा उसके विषय में अधिक बोल दिया शिष्य ने, ऐसा ना को सभी शिष्य बराबर होते हैं, शिष्य भी कोई कोई बुद्धिमान होते हैं। वो कहा कि नहीं देखो वहाँ पर सर्वम शब्द आया था, सर्वम है कि नहीं, ये तो कहा था ना देखो यच्च अस्य य अस्ति यच्च नास्ति सर्वम तत् अस्मिन् समाहितम्। सर्वम कहने से सारा जगत आ गया, और जगत के अंतर्भुक्त काम भी है कि नहीं, नहीं? हाँ इसलिए कह रहे हैं कोई विरोध नहीं है इस अभिप्राय से बोलते हैं। भाष्य देखो, अपि च सर्वशब्देन च उक्ता एव काम,
सारा जगत जब ब्रह्म में है तो जगत के अंतर्भूत काम भी है, इसलिए सर्व शब्द के द्वारा काम का भी कथन हो गया था। इसलिए अधिग्रहण हुआ नहीं हुआ, अधिग्रहण होता है काम। ये कह रहे सर्वम ताद अस्मिन समाहितम इत्यत्र उक्तेन सर्व शब्द न इति शेष, इतना अध्ययन कर लो। सर्वम कहने से सब कुछ ब्रह्म में ही आश्रित है, इसलिए सर्व शब्द का कथन करने से सर्व में काम भी अंतर्मुक्त हो जाता है। शिष्याणाम अधिका अवापम दोषम परिहृत्य प्रकृतम चौद्यम विवृणंती यथा यदा इत्यादि न, अधिका ग्रहण रूपी जो दोष है उसका परिहार कर दिया है ना, और प्रकरण में जो संकाक्षिप है कि देह आदि का नाश हो जाने पर ब्रह्म कैसे रहेगा, ये जो प्रकरण में चल रहा है ठीक। इसलिए प्रकृतम चौद्यम प्रकरण विषय के ऊपर जो शंका है, आक्षेप, शंका नहीं यहाँ पर आक्षेप, उसको कहते हैं यदा, भाष्य देखो, यस्मिन काला एतत् शरीरम ब्रह्मपुराख्यम जरा बलि पलितादि लक्षण वयोहानिर् वा आपनोति शस्त्रादिना वा विकृणम रद्दंसते विश्रंसते विनश्यते किं ततो अन्यत् अतिशिष्यते। बोलते हैं कि जिस समय पर ये जो है ब्रह्मपुर नामक जो शरीर, इस शरीर को भी क्या कह दिया, ब्रह्मपुर, ब्रह्मणपुरम इति ब्रह्मपुरम है ना, और इसमें क्या आ गई, जरा अवस्था आ गई नहीं, और क्या बोलते हैं, बलि पलिदादि, बलि जानते हैं बलि, और इस चमड़ी में जो झुर्रियाँ पड़ जाती है ना आयु बढ़ने पर, चमड़ी सिकुड़ जाती है उसको बोलते हैं बलि, और पलिता मतलब क्या, बाल पक जाना, गिर जाएगा फिर उसके बाद दांत भी गिर जाएगा है, फिर दांत लगाना पड़ेगा। इसको बोलते हैं बलि पलिता आदि लक्षण, ये पहचान किसकी है, ये हाँ ये जरा जरा अवस्था की पहचान, झुरिया पड़ जाना, बाल पक जाना, आजकल तो युवकों को भी बाल पक जाते हैं ठीक। अच्छा वयो हानिर्वा, जब आपनोति इस शरीर जब इसको प्राप्त करता है, अथवा शस्त्रादिना वा विक्रणम, शस्त्रादि के द्वारा ये शरीर जो है नष्ट हो गया, कोई काट दिया, कुछ कर दिया, एक्सीडेंट हो गया, विक्रणम ओभ्रश्च छेदन, ओभ्रश्च छेदन से बनता है विक्रण, तो प्रत्यय करने पर क्या बनेगा, विक्रणम मतलब छिन्नम, टिप्पणी में दिया है देखो, विक्रणम छिन्नम सदित्यर्थ ठीक है, इसी से वृक्ष शब्द ही बनता है वृक्ष ठीक है ना, इस शरीर को इसलिए वृक्ष ही बोलते हैं, काटा जाता है ना, असंग सत्यण दृढ़ चित्त नहीं, प्रधन सते नष्ट हो जाता है, विसन सते बिना सते किम ततो अन्यत अतिशिष्यते, जब शरीर जब नहीं रहेगा तो शरीर में रहने वाले क्या रहेगा, कुछ कुछ रहेगा, कुछ रहने वाले नहीं। इसमें दृष्टांत दिया जा रहा है, आकाशस्य शिष्यमाणत्वम आसंकेत, कोई बोलेगा देखो अरे भाई घाट फूट गया तो जो आकाश तो रहेगा ना उसके अंदर, आकाश तो रहेगा, आकाश का नाश थोड़ी होगा, आकाश तो नित्य है, आकाश अवत सर्वगतस्य नित्य कहा गया। तो बोलते हैं तारे के लोग ये मानते हैं ना, आकाश का नाश कैसे होगा घट का नाश होने पर भी, देखो घटाश्रित क्षीर दधि स्नेहादिवत घटना से देह नाशे अपि देहाश्रम उत्तरोत्तरम पूर्व पूर्व नाशादन सती अभिप्राय, ये अभिप्राय हुआ शिष्य का है ना, ये जो है मंत्र शिष्य की ओर से कहा जा रहा है, शिष्य इस प्रकार आक्षेप करे आचार्य से, आक्षेप से समाधानम व्याख्यानम पंचलक्षणम,
व्याख्यान जानते हैं कि नहीं, याद है श्लोक? पदच्छेद पदार्थोक्ति विग्रह वाक्य योजना आक्षेप से समाधान व्याख्यानम पंचलक्षणम, बराबर न? एक कहते हैं घटाश्रित चिर, क्या हुआ? अच्छा हाँ, ये बढ़िया टेक्निक है, आपकी टेक्निक बहुत बढ़िया है ना। तो किसी को बोलना है तो लिख करके देना चाहिए, इसको कहते हैं डिसिप्लिन। चलो लाइव नहीं चल रहा बोल रहे, देखो चल दो रहा है, देखो कुछ हुआ है तो। घट आश्रित चिर, घट हो गया आश्रय और उसमें रहने वाला क्या है? चिर है ना, चिर बोलते हैं, चिर मतलब जानते हैं दूध, दूध जानते हैं ठीक। और उसमें रख दिया दही है ना, दूध से दही बनती है, दही से मक्खन, मक्खन से घी घृत है ना, इसलिए स्नेहादि व घटना से घट का नाश हो गया तो घट में रहने वाले दूध आदि का भी नाश हो जाता है, बह जाते हैं सब नष्ट हो जाते हैं, है कि नहीं? इसलिए घटना से दृष्टांत हो गया, ठीक इसी प्रकार से देह नाश भी, देह हो गया आश्रय, उसका नाश हो जाने पर तो देह में आश्रित जितने भी है उसका भी नाश हो जाएगा। ये दृष्टांत में देखो, ये देह भी तो घड़ा है ना, देह भी एक प्रकार से घड़ा है, घड़ा देखो। इसलिए चेष्टा होते ना, घट चेष्टा या इसलिए चेष्टा हो रही ना शरीर में, ये शरीर में चेष्टा होती है, इसलिए देह को भी क्या बोलते हैं? घट घट। चलो और कैसे बनाया देखो, ऐसा जो घट देह रूपी घट को बनाने वाला किस प्रकार चेष्टा किया, परमात्मा कितना बड़ा कुलाल है, कुंभार है कि नहीं? इसमें हमारी बुद्धि काम नहीं कर सकती है, सबका डीएनए अलग अलग है, बताओ कभी मेल नहीं खाता है। कैसे मन को बना दिया बताओ, ये मन में कितना भी डाटा रखो कभी भरता ही नहीं है मन, ऐसा मेमोरी कार्ड बना दिया कि नहीं, विलक्षण है कि नहीं बोलो? एक ही मन है, घूमता रहता है सभी जनियों में, लेकिन कभी नाश नहीं होता है मन का, है कि नहीं? जब तक साक्षात्कार नहीं होता है, अविद्या काम कर्म नष्ट नहीं होता है, तब तक मन रहता है बराबर, वो नष्ट नहीं होता है ठीक। इसलिए देहनाश भी पूर्व पक्षी कहता है देहाश्रयम उत्तरोत्तरम, देह आश्रयस्य तो देहाश्रयम, बहुवरी समास है, देह हो गया आश्रय जिसके, ऐसे जितने भी है आगे उत्तर उत्तर, उत्तर उत्तर का मतलब क्या हुआ? देह में रहता है हृदय कमल, हृदय कमल में रहता है क्या है? अंतकरण, अंतकरण में रहता है परब्रह्म, है कि नहीं? तो मूल आधार कौन हो गया? शरीर, शरीर नहीं रहेगा तो हृदय कमल नहीं, नहीं वो न रहने से अंतकरण नहीं, अंतकरण होने से परब्रह्म नहीं, ये कहने का अभिप्राय। इसलिए उत्तरोत्तरम पूर्व पूर्व नाश, पूर्व पूर्व आश्रय का नाश से उत्तर उत्तर आश्रित का नाश हो जाएगा, इसलिए नश्यति इति अभिप्राय एवं प्राप्ते नाशे। इस प्रकार नाश यदि हो जाए तो अन्य यथक्ता अतिशिष्यते अवतिष्ठते किम न किंचन अवतिष्ठते इति अभिप्राय। इसलिए इससे कोई अतिरिक्त शेष तो रहा नहीं, देह से लेकर परब्रह्म तो कहते हो, ये जब रहेगा नहीं तो फिर क्या रहा? फिर कुछ है ही नहीं तो फिर किसका चिंतन करना, कौन अन्वेषणीय होगा? कोई रहे तब तो अन्वेषण होगा और विजिज्ञान से तब भी होगा, है ना? ये पूर्व पक्षी का अभिप्राय है। इसलिए अति न अतिशिष्यते न अवतिष्ठते न किंचन अवतिष्ठते बोल दिया, हालांकि स्था धातु तो भाई परसिम पद होता है, लेकिन अब उपसर्ग लगा देंगे तो आत्मनिपद हो जाएगा ठीक है। सम अव प्र विभ्य स्था, एक सूत्र है ना लघु सिद्धांत कुमुदी में, सम उपसर्ग हो, अव हो, प्र हो और क्या है बी,
क्या क्या हो? सम अब प्र आगे बी, यदि हो जाए स्था धातु में तो आत्मनिपद हो जाएगा। ठीक है, चलिए। यहां पर अव उपसर्ग है कि नहीं देखो, आत्मनिपद हो गया। तत्व यथोक्ता नाश है संबंध, चलिए आश्रय का नाश हो गया तो आश्रित कुछ रहा नहीं, तो फिर अन्य श्रेणियों अभिज्ञा सितव्य कौन होगा फिर? अच्छा आगे देखो, एवं अन्ते वासवेश्चोदितः स आचार्यो ब्रूयात् तन्मतिम् अपनयन्। ये तात्पर्य हुआ। इसलिए कहते हैं इस प्रकार अंतेवासियों के द्वारा आक्षेप किया गया, कुछ भी नहीं रहेगा शरीर का नाश हो जाने पर, है कि नहीं? तो आक्षेप किया गया ना, किसके प्रति आक्षेप किया गया? आचार्य बोले ऐसा जिसके ऊपर आक्षेप किया गया गुरु आचार्य के ऊपर, सह आचार्य ब्रूयात्, ये मंत्र आएगा, वह आचार्य आक्षेप का समाधान करे। ठीक है जी। हाँ, क्यों समाधान करेंगे? समाधान करने से क्या होगा? तान मतिम अपनयन, तेषाम मति ही मतयः, है कि नहीं? तेषाम शिष्याणाम, शिष्यों की जो मति है, मति मतलब बुद्धि, उनकी बुद्धि को भ्रांति को दूर करते हुए आचार्य कहे। समझ में आया? इसलिए आचार्य की प्रवृत्ति का हेतु हो गया भ्रांति की निवृत्ति, ये प्रयोजन हो गया, दूसरा के प्रयोजन तो होता नहीं। अच्छा, कया पुनः रीत्या शून्य विषया शिष्यम शिष्यमतिर अपनेतव्य इति प्रश्न पूर्वकं विवृणन्ति, है ना? किस रीति से, किस प्रक्रिया से, है ना? शिष्य की मति कैसी हो गई थी? शून्य विषय, कुछ रहा नहीं, सब नष्ट हो गया तो क्या रहा? कुछ रहा नहीं, शून्यवादियों की तरह निरन्वय लय हो गया, सबका लय हो गया, है कि नहीं? देह नष्ट हो गया तो कुछ रहा नहीं बोलते ना, है ना? यावत जीवम सुखम जीवित दृढ़ कृत्वा घृतम ब्रवीत भाष्यम भूत देहस्य कुतः पुनरागमनम। चार्वाक सिद्धांत है कि नहीं? ये चार्वाक का संस्कार, आजकल चार्वाक का संस्कार ज्यादा है, इसलिए कहा जा रहा है शून्य विषया शिष्य मतिर, शिष्य की जो बुद्धि होगी शून्य, कुछ रहा नहीं, ऐसी बुद्धि को कया रीत्या पुनार अपनेतव्य, पुना पुना जानते हैं क्या है? पुना टीका माया, पुना पुना मतलब महाराष्ट्र बोलोगे, उधर रहते हो ना इसलिए पुना बोलते हो, पुना आलंदी। यहाँ पर पुना शब्द नहीं है, पुनर शब्द है, पुना रमते है कि नहीं लघु में? पुना रमते मतलब पुना में रहने वाले सब रमण करते हैं, यही हुआ ना पुना रमते। पुनर आगे रमते होता है ना, फिर पूर्व पुनर के रेप को लोप कर दिया, रोरी लोप कर दिया, और ढ लोपे पूर्वस्य द्विगुण से पुना के अ को दीर्घ कर दिया, पुना हो गया, संधि क्या हो गई? पुनर आगे रमते, ये संधि होगी पुनर रमते। नहीं रमते नहीं, यहाँ पर रित्य है, यहाँ पर द्वितीय है पुनर्रित्या। ठीक है, मतलब किस प्रक्रिया से फिर इसका अपनन करना चाहिए, इति प्रश्न पूर्वकम विवृणती, ये प्रश्न हो गया कथम, है ना? भाष्य माया कथम, मतलब किस प्रक्रिया से शिष्य की भ्रांति बुद्धि को निराकरण करनी चाहिए, यह अभिप्राय है। इसलिए पूछ दिया कथम। देखो आगे मंत्र ले लेते हैं, सब्रुयान नास्य जरया एता जीर्यति न बदेनास्य हन्यत एता सत्यं ब्रह्मपुरम
अस्मिन् कामः समाहिता एष आत्मा अपहतपम्मा विजरो विमृत्योर् विशोको विजिघस्सो पिपासः सत्यकामः सत्यसंकल्पो जता हेवेह प्रजा अन्वामिषन्ति यथानुशासनम् यम यवन्तम् अभिकामा भवन्ति यम जनपदम् यम क्षेत्रभागा अनुसार है ना। हाँ ये मैं अनुसार नहीं है। यम क्षेत्रभागम् तम तमेव उपजीवन्ति एव उपजीवन्ति। सह आचार्य ब्रुयात्, वो आचार्य इस प्रकार कहे, आक्षेप का समाधान करे। किस प्रकार करे? आगे का अस्य जरया एतद् न जीर्यति, ऐसा करना। न अस्य न आगे, न आगे अस्य, ऐसा विच्छेद करना। ब्रुयात् न आगे अस्य, है कि नहीं? हाँ, यरो नासिकेनो नासिको वा हो गया। ठीक। अस्म देहस्य, ये देह में जरावस्था आ जाने पर भी एतत् मई जो ब्रह्म है, प्रकृत ब्रह्म, इसमें कोई जरावस्था नहीं आती है, है कि नहीं? क्योंकि अधिष्ठान पर ब्रह्म है ना, असंग है, असंगो अयम पुरुष, उपाधि का धर्म उपहित में आता है, विशिष्ट में आएगा, सामान्य में नहीं आता है। उपाधेस्तु प्रतिबिंब पक्षपातित्वात्, उपाधि का धर्म प्रतिबिंब में आता है, है कि नहीं? बिंब स्वरूप जो है अधिष्ठान कूटस्थ, उसमें संबंध नहीं होता है। ठीक। ये तो ब्रह्म तो अधिष्ठान स्थानीय है। एतत् मतलब अंतराकाशाख्यम ब्रह्म न जीर्यते, उसमें जरावस्था नहीं है। और अस्य बधना न हन्यते, ये शरीर का बोध हो जाने पर भाई ये ब्रह्म का हनन नहीं होता है। लिखा अयो नित्य शाश्वत यम पुराण न हन्यते अन्य माने शरीर का आ गया। इसलिए ये जो ब्रह्म है सत्य है, शरीर है असत्य, मिथ्या है, अनित्य है। और ये जो ब्रह्मपुर है, पहले शरीर को ही ब्रह्मपुर कहा था, और यहाँ पर ये अंतराकाश जो है यही ब्रह्मपुर है, ब्रह्म एव पुरम ब्रह्मपुरम। और शरीर को ब्रह्मपुर करेंगे तो ब्राह्मण पुरमिति ब्रह्मपुरम, अंतर है। इसलिए थोड़ा व्याकरण पढ़ना पड़ता है, ज्यादा नहीं, कम से कम समास आदि का तो पक्का होना चाहिए ना। इसलिए काशी जी में इसलिए गुरु जी लोग कहते हैं, कुछ पढ़ो या ना पढ़ो बचवा, व्याकरण जरूर पढ़ना। है कि नहीं? व्याकरण की स्तुति करते हैं क्योंकि बहुत उपयोगी है ना। एत सत्यम ब्रह्मपुरम अस्मिन् कामः, ये जो ब्रह्मपुर जो है ब्रह्मा, उसमें सब समाहित है, सब आरोपित है। कामा मतलब जो इच्छा करते हैं, काम्यन्तेति कामः प्रार्थ्यमानः पदार्थः, सब परब्रह्म में ही समाहित है, सब आरोपित है। लेकिन ब्रह्मा का इसमें कोई संबंध नहीं है, सब कुछ ब्रह्म में होने पर भी ब्रह्म का कोई संबंध नहीं होता है। और वही ब्रह्मा अपना स्वरूप है, तुम्हारा स्वरूप है, इसलिए कहते हैं ऐसा आत्मा। ऐसा कहने से ये जो आकाश नाम था पहले अंतराकाश, वही आत्मा है, मतलब तुम्हारा ये स्वरूप है। यहाँ पर लक्षार्थ लेना है। आत्मा शब्द का लक्षार्थ शुद्ध चेतन है, इसलिए तुम्हारा जो स्वरूप है, आत्मा शब्द का लक्षण लक्षार्थ, वही तो ब्रह्म है, उसमें किसी का संबंध नहीं है। अपहत पाम्मा, पाप का संबंध नहीं है, पाप का संबंध नहीं तो पुण्य का तो होता होगा। तो बोलते हैं ज्ञान की दृष्टि से ये जो है ना धर्म भी क्या है, पापी है, वो भी तो ज्ञान का प्रतिबंध है ना। आज सुबह बता रहे थे ना, दो प्रकार प्रतिबंध, एक हो गया अनादि, एक हो गया सादि।
अज्ञान है अनादि प्रतिबंधक, और धर्म धर्म कामना ये सब कैसे होते हैं? आगंतुक, आगंतुक शादी है ठीक। तो इसमें जो है ना अधिष्ठान में ना अज्ञान का संबंध है ना जो उसका जो कार्य है, इसलिए अपहत पामा बिजरो, ये स्वरूप से बिजरा है, जरा अवस्था से रहित है, मृत्यु भी नहीं, और क्या बोलते हैं विश्व को उसमें शोक का भी संबंध नहीं है। चाहे इष्ट इष्ट का वियोग हो जाए, चाहे अनिष्ट की प्राप्ति हो जाए, तो शोक होता है कि नहीं? इष्ट वियोग यम दुखम यच्चानिष्ट समन्वय, भगवान कहते हैं इष्ट वियोग यम दुखम यच्चानिष्ट समन्वयात। हाँ, एतद् दूतम हरेर्गेयम् विष्णु विस्मरणम दुखम, है ना विष्णु जी? तो विष्णु विस्मरणम दुखम, विष्णु को जो भूल जाना यही क्या है, सबसे बड़ा दुख है। इसलिए हम लोग यहाँ विष्णु को रखे यहाँ पर, है ना? विष्णु मतलब परमात्मा, यहाँ पर व्यवेष्टि सचराचरण इति विष्णु, है ना? विष्णु जो परमात्मा है उस वो सबका स्वरूप है, उसको भूल जाना ही सबसे बड़ा दुख है, है ना? बोलते हैं जो है ये दुख नहीं है क्या, इष्ट का वियोग हो जाने पर? नहीं, हर की पड़ में गए हो, स्नान कर रहे हो और वापस आए तो मोबाइल गायब। कौन सा मोबाइल? आईफोन, आईफोन है ना, है कि नहीं? तो गायब हो गए तो दुख नहीं होगा? लोग बोलेंगे ना इष्ट का वियोग हो जाने पर दुख होता है, और अनिष्ट की प्राप्ति होने पर सुख होता है। देखो ना विकल्प पर बोल देते सुख बोल रहा, इष्ट का वियोग हो चाहे अनिष्ट की प्राप्ति, दोनों में दुख है कि नहीं? लेकिन भगवान कहते हैं कि इसको दुख नहीं समझना चाहिए, क्योंकि ये तो दूत है भगवान का। क्या है? दूत, दूत है ये। ये तो प्रारब्ध में जैसा ही ऐसे होता ही है, उसमें क्या समझना है, ठीक है? फिर दुख क्या है? भगवान को भूल जाना ये सबसे बड़ा, ये लिखा विष्णु विस्मरणम दुखम, ठीक। तो दुख होता है जीव को नारायण, परब्रह्म में कोई दुख नहीं है, स्वरूप में कोई दुख नहीं है, है ना? ऐसे तो देखा जाए, देखो सुख दुख को जो प्रकाशित कर रहा है उसमें सुख दुख होगा क्या? नहीं होते है ना? आत्मा यदि दुखी होवे दुखी ना कह साक्षी होवे, भारतीकर कहते हैं, भारतीकर मतलब सूर्यश्राचार्य कहते हैं, आत्मा यदि दुखी होवे दुखी ना कह साक्षी होवे। इसका मतलब दुखी पना सुखी पना ये आत्मा का धर्म नहीं होता है। कर्तृत्व भोक्तृत्व, आप कर्तृत्व भोक्तृत्व को जान रहे हो, इसका मतलब कर्तृत्व भोक्तृत्व आप में नहीं हो सकता है। आत्मा कर्त्रादि रूपश्चेत मां कांक्षी स्तरी मुक्तताम नहीं स्वभाव भावानाम व्यावर्ते उष्णवद रवे है। ये भी भारतीकर बोल रहे हैं। जैसे तार्किक को, तार्किक लोग आप कर्ता भोक्ता मानते हो आत्मा में, और स्वाभाविक मानते हो आत्मा का यदि कर्तृत्व भोक्तृत्व स्वाभाविक हो जाए तो क्या करने पर जाएगा? नहीं जाएगा। दृष्टान देजा, जैसे सूर्य की उष्णता स्वाभाविक है, लेकिन बहुत ज्यादा जब कोहरा पड़ेगा तो सूर्य में उष्णता रहेगी नहीं रहेगी? रहेगी ना। तो कोहरा पड़े चाहे अंधेरा हो कुछ भी हो, सूर्य की उष्णता तो स्वाभाविक है। चलो बीजगस्सो जिघिस्सा बोलते हैं, औत्तम इच्छा थी जिघत्सा जिघत्सा, ठीक है ना? और विगता जिघत्सा यस्मात, ये खाने पीने की इच्छा भूख प्यास ये सब धर्म प्राण का धर्म होता है। ये धर्म प्राण का, इच्छा अंतकरण का धर्म है।
आत्मा में ना भोग प्यास है ना भोग प्यास की इच्छा है, सब अंतकरण का धर्म है इच्छा है। काम संकल्प श्रद्धा अश्रद्धा भेद धैर्य इत्येतत् सर्वम मना अंतिम वैदल्य, ये सब कुछ मन का धर्म है आत्मा का नहीं है। बीज घसो और बोलते हैं पिपा अपिपास पातम इच्छा इति पिपासा और विगता पिपासा यस्मान सह अपिपास बहुवरी समास अपिपास पिपासा इसमें नहीं है वास्तविक पीने की इच्छा। और बोलते हैं देखो सत्य काम सत्य संकल्प है, पहले संकल्प होता है उसके बाद क्या होती है कामना, कामना होती है, ये दोनों को अलग कर दिया इसलिए, समझ में कि नहीं। पहले संकल्प होता है उसके बाद मैं करूँ कि न करूँ, करूँ कि न करूँ, संकल्प होता है कि नहीं, फिर उसके बाद क्या होती है कामना होती है, हाँ करूँ मैं समझ में आया। और परमात्मा में जो कामना है पर परमात्मा में जो संकल्प है वो सत्य है और व्यभिचरित नहीं होते, पूरा हो जाते हैं। भगवान के जो है ना ये जीव जो बहुत कामना करता है और एक प्रकार की कामना नहीं करता है, कामना बदलती रहती है, कितने बार टिकट जो है ना कैंसिल करना पड़ता है, कभी ये करो कभी ये बोलते यहाँ जाऊँ तो कभी बोलते वहाँ जाऊँ, तो कामना होगी कि नहीं, तो एक प्रकार कामना हुई, इसलिए जीव की कामना जो है ना वो खंडित हो जाती है कि नहीं। और संकल्प भी इसी प्रकार है, परमात्मा ऐसा नहीं होता, इसी प्रकार कोई यदि महापुरुष हाँ कोई संकल्प ना करे कम से कम 12 साल तक, कम से कम 12 जैसे कभी भी मिथ्या भाषण ना करे है ना, 12 साल तक कभी भी मिथ्या भाषण न करे, कभी सोचे भी नहीं मिथ्या के विषय में है ना, उसकी वाणी क्या हो जाएगी अचूक हो जाएगी, मुंह में जो बोल देगा वो हो जाएगा, वो पूर्णिमा के दिन अमावस्या बोल देगा तो अमावस्या हो जाएगा, इसलिए जल्दी नहीं बोलेगा वो क्योंकि उनकी इच्छा परमात्मा के अधीन हो जाती है, परमात्मा की इच्छा ही उनकी इच्छा है, जल्दी नहीं, अरे बोल भी दिया तो पूरा हो जाएगा, बोल दिया महापुरुष सिद्ध महापुरुष बोल देगा तो हो जाता है, कई सब दृष्टांत आते हैं हो जाते हैं ना पूरा है ना, किसी को पुत्रवती भाव बोल दे पुत्र हो ही जाएगा जैसे भी हो, है कि नहीं, हो गया कि नहीं, महाराष्ट्र में आया ना महाराज जी का कौन रामानंद जी महाराज बोल दिए तो संत ज्ञानेश्वर महाराज जी हो गए कि नहीं, हो गए, हो गए ना, हो गए, तो कैसे होगे सत्य संकल्प, सत्य संकल्प महापुरुष का संकल्प सत्य होता है ना, तो भगवान व्यास देव कैसे प्रकट हो गए, प्रकट हो गए ना भगवान व्यास का जो है प्राकट्य, तो उनके भी कौन थे पराशर थे, देखो दिन को भी अंधेरा कर दिया वो, दिन को भी क्या कर दिया रात कर दिया दिन को भी, तो सिद्ध महापुरुष है उनका संकल्प पूरा हो जाता है, सत्य काम सत्य संकल्प ठीक, इसलिए कामना करने भी तक ज्यादा कामना नहीं करनी चाहिए, और कामना हो भी तो शास्त्रीय होनी नहीं, वह शास्त्रीय होनी चाहिए व्यर्थ कामना नहीं होनी चाहिए, मुझे आत्मज्ञान हो जाए इसी जन्म में मेरा कल्याण हो जाए, मैं वेदांत का अध्ययन करूँ है कि नहीं है ना, छांदोग्य पूरी करो और लघु सिद्धांत को मुदी, लघु सिद्धांत को मुदी क्या करनी चाहिए शुरू करो और पूरा करे दूसरा, ऐसा भी होता है शुरू करते हैं एक लोग है कि नहीं, और मध्य में दूसरे लोग और पूरा करते हैं तीसरे लोग, ऐसा हो जाता है ऐसा नहीं, लघु सिद्धांत पूरे प्रारंभ करने तो पूरी कर लेनी चाहिए, रुकना नहीं चाहिए, नहीं तो भी अलग दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, फिर लघु पढ़ना पड़ेगा वहीं से, फिर है कि नहीं, फिर उसे पढ़ाने वाले नहीं मिलेंगे तो कैसे बने ठीक है, क्या बनेगा
भूत बनेगा। तो जैसे ही इस परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया तो उसका इसी जन्म में कृतार्थ हो गया। लेकिन यदि नहीं हुआ तब क्या होगा आगे? लेकिन देखो ये दोष है, ठीक है नारायण। उस परमात्मा को यदि नहीं जान पाया तो क्या दोष होगा? जथा मतलब परतंत्र हो जाएगा वो, परमात्मा की प्राप्ति से ही स्वतंत्रता है, नहीं तो परतंत्रता है। ये बोल रहे जता ही एव इह प्रजा, यह मतलब इस लोक में प्रजा अन्वाविशन्ति जथा अनुशासनम। वो राजा जैसा अनुशासन किया ना, उसका अनुशासन का अतिक्रमण नहीं करेगा। जहां जिसको रखने के लिए बोल दिया है ना, वही रहता है कि नहीं? बोले तुम इस जनपद का राजा हो, बस उसी में रहेगा वो, दूसरे जनपद में नहीं जा सकता हो। ये कह रहे हैं। और ना भी अनुक्रमण करते हैं है ना, अनुशासित लोग राजा के अनुशासन का अनुवर्तन करते हैं। यम यम अंतम अभिकाम भवंती, यम यम अंतम मतलब प्रदेश, जो प्रदेश जो इच्छा करते हैं, अभिकाम भवंती यम जनपदम, यम क्षेत्रवान, जो जनपद कह दिया उधर कोई क्षेत्रभाव कह दिया राजा ने है ना, तम तम एव उपजवंती, उसमें रह करके ही वो जीवन यापन करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? परतंत्र हुआ है, स्वतंत्र नहीं है, ठीक है, क्योंकि राजा के अधीन हो गए ना। इसलिए अस्वतंत्र कोई भी नहीं चाहता, मैं पराधीन हूँ कोई भी नहीं चाहता, है कि नहीं? इसलिए परमात्मा की प्राप्ति से ही स्वतंत्रता है, नहीं तो परतंत्रता है। इसलिए परमात्मा को प्राप्त करना चाहिए, यह अभिप्राय हुआ। देखो आगे भाष्य है। अस्य देहस्य जरया एतद्यथोक्तम् अन्तराकाशख्यं ब्रह्म, क्योंकि मंत्र में आया ना एतद्जिरियति, एतद् शब्द यहाँ पर ब्रह्म को लेना है। इसलिए बोलते हैं यथोक्तम् अंतराकाशख्यम, अंतराकाश जो नाम है परब्रह्म है वो, यस्मिन् सर्वं समाहितम्, और उसमें सारा जगत समाहित है, स्थापित है, आश्रित है। न जिरियति देहवत न विक्रियते, देह जैसे विकार को प्राप्त करता है जरा आदि अवस्था को, इसी प्रकार आत्मा नहीं करता है, इत्यर्थ यो ही प्रयोग हुआ। अच्छा, देहादि विक्रिया ब्रह्मणो न विक्रिया अस्ति, देहादि के विक्रिया से, आदि से क्या लेंगे, इंद्रियादि ले लो सब, क्या देह इंद्रियादि के विकार से ब्रह्म में कोई विकार नहीं होता है ना। हाँ, इसमें जो है के मुक्ति को न्याय न साधयति, ये के मुक्त न्याय की मुत, जैसे ऐसी आंधी आई तो बड़े बड़े पेड़ भी उखड़ करके उड़ गए, बाकी छोटे मोटे पौधे के विषय में क्या कहना है, इसी का नाम क्या होता है, क्या मुक्ति न्याय, ठीक है ना। ये बोलते हैं क्या मुक्ति का न्याय न साधयति नच, जैसे कह दिया भूताकाश है ना, जैसे भूताकाश असंग है, घट फूट गया तो घट के अंदर जो आकाश है फूट गया, फूट गया नहीं होता है। जब भूताकाश जब असंग है, अविकारी है कि नहीं, और ये जो आकाश शब्द जो परब्रह्म है, तो उनकी असंगता में उसके अविकार में कहना क्या है, आय पकड़ में ये कह रहे हैं। देखो नचास्य बते ना शस्त्रादि घाते ना एतत्, यथा आकाशम, देखो के मुक्त नहीं है, किमु तत्वपि सूक्ष्मतरम अशब्दम अस्पर्शम ब्रह्म देहादि इंद्रिय दोष न स्पृश्यते इत्यर्थ। तथा आकाशम, यहाँ पर आकाश से भूताकाश है, परब्रह्म नहीं, ठीक है ना। जैसे भूताकाश जो होता है वो घटादि के नाश से भूताकाश का नाश नहीं होता है कि नहीं? हाँ, जैसे मान लो घड़े के अंदर रख दिया मदिरा, रख दिया घड़े के अंदर, और उसके अंदर आकाश है कि नहीं, तो मदिरा के संबंध से वो भी क्या हो गया, दुर्गंध आ गई कहाँ
हाँ पर आकाश में नहीं हो जाएगा? नहीं होता है ना? जैसे घटस्थ मदिरा आदि के संबंध उसमें रहने वाले आकाश के साथ नहीं होता है, ठीक इसी प्रकार से देहादि में रहने वाला जो आत्मा है साक्षी, वो भी देहादि के संबंध से, देहादि के विकार से नहीं होगा। ये कहते शास्त्र, ना नवो घट योगे ना सुरागंधे ना लिप्यते तथा आत्मोपाधि योगे ना तद्धर्मो नैव लिप्यते। समझ में ना? सुरागंध, सुरा के गंध से सुरास्त आकाश गंधित तो नहीं होता है। इसी प्रकार देह के संबंध से, देह के विकार से आत्मा नहीं होता है, विकृत नहीं होता है साक्षी आत्मा। समझ में ना? इलेक्के मुक्त नहीं आओगे ना, इलेक्की मुह तत्व भी, ये तो उससे भी सूक्ष्मतर है ना? आकाश वायु आदि के अपेक्षा जो सूक्ष्म तो है, लेकिन अत्यंत सूक्ष्म नहीं है। अत्यंत सूक्ष्म कौन हो गया? निरतिशय सूक्ष्म, जिसमें किसी प्रकार गुण नहीं। आकाश में गुण है शब्द है ना, एक गुण होने पर भी ऐसे महिमा है आकाश की, असंगता की, और जिसमें कोई भी गुण नहीं है कि नहीं, उसकी असंगता में कहना क्या है? इसको बोले के मुक्त न्याय है, ठीक। इसलिए सूक्ष्मतरम किसकी अपेक्षा सूक्ष्म हो गया? भूताकाश की अपेक्षा से अंतराकाश ब्रह्म सूक्ष्मतर हो गया, मतलब ये निरतिशय सूक्ष्म है ना? इसलिए कहा अण और अणयान और महत्व मयान का अशब्दम अस्पर्शम, बाकी सभी गुण को ले लो और तीन गुणों को, अशब्दम अस्पर्शम ब्रह्म देहादि देह इंद्रियादि दोष है। देह इंद्रियादियों का दोष क्या है? षड्भाव विकार, जायति अस्तित्व आदि मालिन्य है। ब्रह्मचारी जी महाराज यही कहा करते, श्लोक एक श्लोक बड़ा बहुत सुनाते थे हम लोग, सुनते सुनते ही हम लोगों को याद हो गया अत्यंत मलिनो देहो देहि चात्यंत निर्मला उभयोर अंतरम ज्ञात्वा कस्य शोचम विधीयते। ये किसी उपनिषद का है ये। अत्यंत मलिनो देहो देहि चात्यंत निर्मलः, देहि चात्यंत निर्मलः, लिख दिया। उभयोर अंतरम ज्ञात्वा, उभयोर अंतरम ज्ञात्वा कस्य शोचम विधीयते। हो गया, लिखा नारायण। उभयोर अंतरम ज्ञात्वा कस्य शोचम विधीयते, लिख दिया तो बोलना चाहिए है ना? अत्यंता मलिनो देहो देहि चात्यंत निर्मलः उभयोरंतरं ज्ञात्वा कस्य शोचं विधीयते। बोलिए। तमलिनो देहो उभयोरंतरम ज्ञात्वा, देखो दोनों का स्वरूप अलग अलग है, दोनों का स्वरूप अलग अलग, आत्मा और अनात्मा का स्वरूप अत्यंत विलक्षण है, स्वरूप से विलक्षण है। नहीं देखो, पहले आत्मा को समझ लो, नहीं देह को बोल दिया, अत्यंत मलिनो देहो, एक अनात्मा से आत्मा का विवेक करना है, अनात्मा से आत्मा का। अनात्मा हो गया शरीर, ये शरीर कैसा है? थोड़ा बहुत मलिन नहीं अत्यंत मलिनो देहो का नहीं, और देही जो आत्मा है वो कैसा है? वो भी अत्यंत निर्मल, थोड़ा बहुत निर्मल नहीं, स्वाभाविक निर्मल हो,
आत्मा को निर्मल करना नहीं पड़ता है, वो स्वभाव से ही निर्मल है, वो स्वाभाविक है, मतलब असंग है। असंग कोई अयम पुरुष, आत्मा असंग होने के कारण, निरवय होने के कारण, आत्मा निरवय होने से क्या है, असंग है। और असंग होने से क्या होगा, अत्यंत शुद्ध निर्मल है, अत्यंत शुद्ध कहा दिया है कि नहीं। और उभय और अंतरम ज्ञात्वा, आ दोनों में भेद कैसा है, अत्यंत भेद कह दिया, मतलब अनात्मा से आत्मा अत्यंत विलक्षण है, संबंध हो ही नहीं सकता है। लेकिन दोनों का स्वरूप अलग अलग हुआ कि नहीं हुआ, देह हो गया अत्यंत मलिन और आत्मा हो गया, तो किसको निर्मल करोगे, शरीर को करोगे कि आत्मा को करोगे, कर नहीं सकते, देह कभी शुद्ध हो ही नहीं सकता है कि नहीं। इसलिए आचमन वगैरह कुछ नहीं करना कल से, आचमन काहे को करना है, यानी गंगा स्नान वगैरह नहीं करना है, ये स्वरूप से कहा गया ये। देह का, देह के वास्तविक स्थिति यही है। ये कहा गया, ऐसा नहीं कि आत्मज्ञान जब तक ना हो तब तक करना पड़ेगा कि ना पड़ेगा। अभी ज्ञान हुआ कहा ना, कहते ना मन चांगा तो कटौते में गंगा, बोलते कि नहीं, इसलिए हम गंगा स्नान नहीं करते हैं। और कोई को तो ऐसे बोलते हैं भाई गंगा स्नान कर देंगे तो गंगा अशुद्ध नहीं हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, ऐसा बोलते हैं ना भाई। अरे कपड़ा धोएंगे जल से है तो जल शुद्ध होगा कि अशुद्ध होगा, अशुद्ध हो जाएगा ना, ही तो कह रहा हूँ। इस जगह शरीर डुबकी लगाओगे तो शरीर का जो पाप चला नहीं जाएगा उधर, तो वो भी अशुद्ध हो जाएगा, ऐसे लोग बोलकर इसलिए स्नान नहीं करते हैं कुछ लोग। इसको कहते हैं कुतर्क है, ये कुतर्क सबसे बड़ा ज्ञान में प्रतिबंधक है। जहाँ अशुद्धि अशुद्धि है, जहाँ शुद्धि अशुद्धि की बात आएगी ना, झट से बोल देंगे ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्य, मिथ्या है तो क्या करना है फिर उसको। तो मिथ्या है तो कुछ भी खाओ फिर, है कि नहीं, कुछ भी खाओ, लड्डू क्यों खाते फिर, गोबर का लड्डू खा लो फिर। बेसन का लड्डू क्यों खाना, उसमें तो भेद दिख रहा है, और उसमें भेद दिख रहा है, और यहाँ शुद्धि अशुद्धि भेद नहीं दिखती है। कोई कोई ऐसे करते हैं, हमारे में कोई भेद नहीं है, फिर हम कुत्ते को भी साथ में रखते हैं खाते हैं, कोई भेद नहीं ना हमारे। ऐसे लोग, चलो ये है आत्मा। किम ततो विसूक्ष्मतरम अशब्दम स्पर्शम देह इंद्रियादि दोषे नास्पृश्यते, देह इंद्रियादि के दोष से आत्मा का संबंध नहीं होता है। अच्छा कथम, थोड़ी टीका में आई देखो, देहादिशो तारतम्येन स्थितम चेत ब्रह्म दोषेर असंस्पृष्टम इति अयुक्तम। देखो आप वेदांती लोग जो है ना विचार तो नहीं करते हैं, है ना, केवल मिथ्या मिथ्या बोलते हैं। तो देहादिशो, आदि से क्या लेंगे, इंद्रियादि ले लो, इंद्रिय है, प्राण है कि नहीं, मन है। देहादि में आत्मा का क्या हो रहा है, तादात्म हो रहा है, दोनों एक हो गए ना, अहम मनुष्य, तो भान तो हो रहा है, लेकिन अहम स्थूल अहम कृश भांत हो रहा है कि नहीं, ये हो गया, दोनों में तादात्म हो गया। दोनों में जब तादात्म हो जाएगा, है ना, तादात्म्येन स्थितम, तादात्म होकर के देहादि में कौन स्थित है, ब्रह्म स्थित है कि नहीं, अयमात्मा ब्रह्म कहते हो, है ना। तब जब ऐसा है तो दोषेर असंसिष्टम, फिर भी कहते हो देहादि के दोष से असंशिष्ट होता है ब्रह्म, देहादि का दोष नहीं आएगा, ये कैसे होगा, है ना। दोनों जब एक हो गए तो देह का दोष तो आएगा ही आएगा, समझे कि नहीं। अरे ये मान लीजिए दोनों में तादात्म्य हो गया, दूध और चीनी में तादात्म्य हो गया, तो चीनी का धर्म नहीं आएगा दूध में, आएगा कि नहीं आएगा। ठीक इसी प्रकार ये देह में जो है तादात्म्य हो गया आत्मा का, तो देह का दोष आत्मा में क्यों नहीं आएगा, आना चाहिए, ये अभिप्राय हो गया। संयोग मानते हैं ना वो लोग,
आत्म में मन का संयोग मानते हैं और मन का संयोग इंद्रिया में, इंद्रिय का संयोग शरीर में, तार्किक लोग मानते हैं कि नहीं मानते है कि नहीं। इसलिए जो आत्मा मनसा जुचेते, मनसा इंद्रियण और इंद्रियण है, जो अर्थ न कह दे अर्थ, आत्मा का संबंध मन के होगा, मनसा इंद्रियण और इंद्रियण अर्थ, तथा प्रत्यक्षम जायते तब वस्तु का प्रत्यक्ष ज्ञान होगा आत्मा को, ऐसा मानते तार्किक लोग है कि नहीं। इसलिए कह दिया आत्मा जो अश्रेष्ठम इति अयुक्तम, ये अयुक्त है। इसलिए पूछ रहे कथम, भाष्य देखो, देह इंद्रियादि दोष नास्पृश्यते इति एतस्मिन् अवसरे वक्तव्यम प्राप्तम, है ना। इसलिए देह इंद्रियादि के दोष से आत्मा का संबंध क्यों नहीं होगा, इसलिए इसके अवसर में ये कहना प्राप्त हुआ, इस शंका का समाधान कहना प्राप्त हुआ। बोलते अभी कह दो, फिर अभी जब कह देंगे तब तो ये जो प्रकरण चल रहा है ना उसमें व्यवधान आ जाएगा। प्रकरण चल रहा है क्या है, दहर उपासना का प्रसंग चल रहा है कि नहीं। और आप यदि विचार करोगे देह आदि के दोष आता कि नहीं आता है तो विषांतर नहीं हो जाएगा, ये बोल देंगे। तत् प्रकृत व्यासंगो महाभूत इति न उच्यते, प्रकरण जो दहर उपासना चल रही है उसमें क्या हो जाएगा, व्यासंग आ जाएगा। व्यासंग मतलब विक्षेप हो जाएगा है कि नहीं, मतलब विषयांतर ले लो। टीका में दिया देखो, प्रकृत क्या चल रहा है, दहर उपासना, ठीक है ना। दहर आकाश, दहर में अंतकरण है, उस अंतकरण परमात्मा का ध्यान करना है, ये है दहर उपासना। तत्र व्यासंगो, व्यासंग का अर्थ हो गया विक्षेप, ये कहते हैं। तब तो इसका समाधान कहीं भी यदि नहीं करोगे, इसका समाधान यदि कहीं भी नहीं करोगे हैं, तब तो असंग ब्रह्म कोई मत मानो, असंग कोई वस्तु है ही नहीं, ये मानना पड़ेगा फिर, है ना। बोलते नहीं, जब आएगा इंद्र विरोचन का प्रजापति का संवाद आएगा ना, उसमें हम निराकरण करेंगे कि देहादि का संबंध आत्मा में नहीं होता है, तीनों शरीर का संबंध आत्मा में होता ही नहीं, स्थूल सूक्ष्म और कारण। ये टीकाकार कह रहे देखो, यदि देहादि दोषेर असंस्तितम ब्रह्मणो न क्वचित उपपाद्यते तरी तद अविवक्षितम एवं स्यात् एव स्यात् इति आशंक्य। देखो, देहादि उपाधि के दोष से ब्रह्म होता है असंस्पृष्ट, मतलब असंबद्ध, न क्वचित उपपाद्यते, और कहीं भी इस चीज का निरूपण यदि नहीं किया जाएगा कि ब्रह्म असंग है तीनों शरीर के से, ठीक है ना, तरी तद अविवक्षितम, तद कहना चाहिए कौन, असंस्पृष्ट, असंस्पृष्ट असंबद्ध जो ब्रह्म, असंग ब्रह्म है ना, वो तो शास्त्र से क्या हो जाएगा, अविवक्षित हो जाएगा फिर। श्रुति की विवक्षा असंग ब्रह्म में होगी नहीं फिर, तो फिर लोग मानेंगे क्यों उसको, असंग ब्रह्म को। बोले इस याद इति आशंका बोलते हैं, देखो इसका हम कहेंगे आगे, भाष्य का लिखते हैं। इंद्र अभिरोचनाख्या आख्यायिकायाम उपरिष्टाद वक्षामो युक्तितः, और युक्ति पूर्वक हम बोलेंगे, युक्ति से इंद्र जब जाएंगे विरोचन के साथ, कहाँ जाएंगे, प्रजापति के साथ, किसले, ब्रह्म विद्या के लिए जाएंगे, दूसरा के प्रयोजन के लिए नहीं है, भंडारा दिखाने के लिए नहीं, किसके लिए है, ब्रह्म विद्या के लिए, है ना। ये सब बड़े सुंदर यहाँ पर युक्तिपूर्वक कहेंगे, उपरिष्टाद आगे बक्षामो युक्ति से है, है ना। देहादि का संबंध अधिष्ठान ब्रह्म में नहीं होता है। अच्छा जी, बस इतने में रखते हैं, कल सुबह ये चलाएंगे, क्या चलाएंगे, चांदो के ही चला लेना, है ना, इसको पूरा कर ले, क्या करे है, इसी को पूरा कर लेते, चांदी के 7 बजे।
ना, क्योंकि दूसरा शुरू करेंगे फिर तो आएंगे तो बैचलर लोग, फिर तो बंद करना पड़ेगा। इच्छा चेक इश्यू को ही पूरा कर ले, क्या कहना चाहते हैं? सही है ना। ओम आप्यायन्तो ममांगा वाक्प्रा श्रोत्रमतो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्य मामा ब्रह्म निराकरो अनिराकरणमे अस्तु तदात्मनि निर्ते ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति ही शांति। शंकर केशवम् सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद व्योमवत् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति ही शांति ही शांति।